पलवल जिले के लोग ट्रेन के हादसों से सबक नहीं ले रहे। इतना तो तब है जब हर वर्ष ट्रेन हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ट्रेन हादसों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर 2017 की बात करें तो पलवल जिले में 2017 में 120 मौतें हुई थी, जिनमें से 80 लोगों की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हुई। 18 लोगों ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की और 22 लोगों की ट्रेन से गिरने से मौत हुई। हादसों में 2017 में हुई 120 लोगों की मौत में से सिर्फ 78 लोगों की ही पहचान हो सकी थी, तो वहीं 42 लोगों की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। आखिर ये लोग कौन थे और कहां के थे जो 2 साल बीत जाने के बाद भी इनकी पहचान नहीं हो पाई। वहीं अब अगर 2018 की ट्रेन दुर्घटनाओं के बारे में बात करें तो फिर पलवल जिले में 129 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 16 लोगों की ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। इन 129 मौतों में से 99 लोगों की ही पहचान हो सकी है। आए दिन ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इन दुर्घटनाओं से कोई सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वहीं इन सब के बीच अज्ञात लोगों के शवों के बारे में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर दोनों सालों में अज्ञात शवों की बात करें तो फिर इन 2 सालों में 72 लोगों की पहचान नहीं हो पाई, और ये एक बड़ा सवाल है। इसको क्या कहेंगे कि किस वजह से इतने लोगों की पहचान नहीं हो पाई? क्या रेलवे विभाग ने इन लोगों की पहचान कराने की कोई कोशिश नहीं की, या फिर इन सभी का कोई परिवार नहीं था? बढ़ते ट्रेन हादसों के पीछे लोगों की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। पलवल जिले में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज होने के बावजूद भी लोग पैदल चलकर रेल लाइन को पार करते हुए सामने दिखाई देते हैं, और अपनी जान का जोखिम उठाने से भी ये लोग बाज नहीं आते, और यही लापरवाही कई बार लोगों की जान गंवाने का कारण बन जाती है। इस तरह की लापरवाही कर सैकड़ों परिवार अपनी जान गंवा देते हैं। जहाँ लोग जिम्मेदार हैं, तो वहीं इन हत्याओं के लिए रेलवे पुलिस भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है। आखिर नियम कैसे तोड़े जा रहे हैं? रेलवे पुलिस की सुरक्षा में आखिर कहां बड़ी चूक हो रही है कि लोग नियमों की अवहेलना करने से बाज नहीं आते? जहां लोगों को जागरूक होना होगा, तो वहीं अपनी जिम्मेदारी रेलवे पुलिस को भी अदा करनी होगी, और जो लापरवाही सामने आ रही है उसको जल्द से जल्द दूर करना होगा। पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।